पुराने बस स्टैंड में संदिग्ध सूटकेस मिलने से अफरा तफरी इस वक्त की बड़ी खबर है। रीवा से जहां बस स्टैंड में संदिग्ध सूटकेस मिलने से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त मामले की तफ्तीश की है। घटना शहर के पुराने बस स्टैंड की है जहाँ संदिग्ध सूटकेस मिला है। बक्से के भीतर बम होने के संकेत मिले थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सिविल लाइन पुलिस ने बक्से को खुलवाने के लिए बुलाया, बम स्क्वाड को बुलाया है। दरअसल पुलिस कमोडील था, जिसकी जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन की सजगता का इम्तिहान लिया गया और पुलिस लगभग सफल रही। वहीं एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस समय समय पर रीवा में मॉक डील करती रहती है, जिसको लेकर यह पता लगाया जा रहा था कि रीवा के थाना की पुलिस कितनी सक्रिय है। और इस घटना का पर पुराने बस स्टैंड में अफरा तफरी का माहौल जरूर है। अब हम आपको दिखाते हैं मॉक डील की कुछ तस्वीरें और सुनाते हैं रीवा एडिशनल एसपी अनिल सोनकर का इस विषय में क्या कुछ कहना था। संभावित घटनाओं पे हम अपनी कार्य योजना बनाते हैं और सबको उनके हिस्से का काम निर्धारित किया जाता है। एक इसी योजना कार्य योजना का एक हिस्सा था मॉक ड्रिल, जिससे हम अपनी खुद की क्षमताओं को परखते हैं कि हम अपना रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए, हम कितनी कम समय में हम वहाँ रिस्पॉन्स कर सकें। इसके लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और इसी कार्य योजना के तहत बस स्टैंड में ये मॉक ड्रिल की गई थी। इसमें तत्काल जो है सिविल लाइन पुलिस और अन्य पुलिस भी वहाँ पहुँची। हमारा बम स्क्वाड जो टीम है वो भी बिल्कुल टाइम पे जो है उनका रिस्पांस था। और हम इसी तरह अन्य मॉक ड्रिल करके भी अपनी जो कार्य योजना बनाए हैं उसको उसकी विश्वसनीयता को परखते हैं। नहीं, किसी को जानकारी नहीं, ये पुलिस अधीक्षक महोदय को और मेरे को दोनों को जानकारी थी, क्योंकि अगर मॉक ड्रिल है यदि हम बता के करेंगे तो लोग